शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपका है ना, किसका? पोएट्री सेक्शन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो फर्स्ट चैप्टर उसका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब देखोगे ऊपर में शायद नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन से आ रहा है ना। हाँ तो पहला जो क्वेश्चन है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा। हाँ क्या लिखा हुआ है, वाई डज उसके बाद क्या लिखा हुआ, द पोएट वांट टू गो, वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। इसका मतलब समझ में आया, क्या बता रहा वो, मतलब क्यों जो पोएट है कवि है अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है, ठीक है ना, क्यों जाना चाहता है? तो आपको बताए थे हाँ, क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे। तो आंसर क्या लिखोगे, द पोएट आंसर इसका तुरंत आ जाएगा, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा तो आंसर तुरंत लिख लोगे, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, क्यों मतलब जो पोएट है अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। तो क्या लिखोगे, द पोएट वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। इतना तो लिखोगे सेम टू सेम कि द पोएट वॉन्टेड टू गो अवे, जाना चाहता था, कहाँ से जाना चाहता था, फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से दूर होना चाहता था, मतलब बिकॉज, यहां से क्या लिखोगे, बिकॉज हो गया, बिकॉज उसके बाद क्या लिखोगे, ही हैज टू गो ऑन अ कॉन्टिनेंटल ट्रिप, क्योंकि उसे कहां जाना था, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना था, इसीलिए वो अपने प्रेमिका से थोड़ा दूर होना चाह रहा था, ठीक है ना। और ये जाना नहीं चाह रहा था, ये तो फिर मजाक मस्ती थी, है ना, टेस्ट करना था अपने प्रेम को, ठीक है ना, कि रियलिटी में वो पहले वाला प्रेम है कि नहीं है। मैंने जब पोएम में पढ़ाया था तो आपको समझाया भी था, ठीक है इसके, हाँ तो ये बोलो, पहला क्वेश्चन अगर आएगा ऐसे तो बना लोगे कि वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, क्यों मतलब प्रेमिका से दूर जाना चाहता है, कौन पोएट कवि, द पोएट वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही हैज टू गो ऑन अ कॉन्टिनेंटल ट्रिप, वो क्यों जाना चाहता, कॉन्टिनेंटल मतलब एक मतलब यात्रा, ठीक है ना, जैसे वॉयज होता है, वॉयज मतलब जैसे नाव की यात्रा करते हैं, तो ऐसे ही वो मतलब मजा करने के लिए जा रहा था, एंजॉय करने के लिए, जैसे पहाड़ी के इलाका थोड़ा घूमना, मजा करना, जैसे बाद उद में घूमते हैं गाँव में, उसी तरह से घूमना चाह रहा था, उसे उकार रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, जा थोड़ी रहा था, बस टेस्ट कर रहा था अपनी प्रेमिका से मोहब्बत की बात। अब चलो दूसरा नंबर आते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव, क्या ऐसी चीज है जो सूरज में नहीं है, किसने वो पोएम में बता रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो सूरज में नहीं है, तो क्या लिखोगे, सन हैज नो डिजायर, उसके पास कोई ख्वाहिश नहीं है, नॉर सेंस कोई समझ नहीं है, नीदर ही हैज बिलव्ड, ना उसके पास कोई प्रेमिका है, समझ में आया। और ये अपनी मतलब सूरज से किसे तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कौन, जॉन डन, अपनी वाइफ को दिखाते हैं ना मोरे को कि देखो मैं उससे बेहतर हूं, समझ पा रहे ना, उसके पास कोई सेंस नहीं है, समझ नहीं है, और ना ही उसके पास कोई प्रेमिका है, मेरे पास समझ है, सेंस है, समझदारी है, और मेरे पास प्रेमिका भी। फिर कहते हैं चलो ये याद आ जाएगा ना, व्हाट आर द थिंग्स दैट डज नॉट सन डज नॉट हैव, क्या ऐसी चीज है जो सूरज में नहीं है, तो क्या लिखोगे, द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस नीदर ही हैज बिलव। चलिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, क्या ऐसी चीज है जो स्पीकर्स के जर्नी को और तेज बना देता है, तो क्या लिखोगे, द लव ऑफ बिलव, उसकी जो मोहब्बत है ना, किसकी, प्रेमिका की जो प्रेम है, वो उसके जर्नी को, स्पीकर्स के जर्नी को क्या बना देगा, स्पीडर, और तेज कर देगा, ठीक है ना। अगर मालूम चला तुम्हारे पास कोई मोहब्बत करने वाले घर पे होते तो देखो कितना जल्दी शाम में रिटर्न होते हैं, है ना, ऑफिस से कभी छुट्टी हो तो देखना कैसे लोग जल्दी जाते हैं अपने फैमिली से मिलने वाले, है ना, उसी को कहते हैं। अब देखोगे चौथा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावरफुल, क्या ऐसी चीज है जो मतलब मैन के पावर को, इंसान की शक्ति को क्या कर देता, कमजोर बना देता, बताइए। सोरो मतलब क्या है, गम ही ऐसी चीज है जो मैंस के पावर को क्या कर देता, फीबल, कमजोर कर देता,
समझ पा रहे ना, एंजाइटी डिप्रेशन ये सब ऐसी चीज है जो हमेशा कमजोर कर देता है इंसान को, अच्छे अच्छे लोग को बर्बाद कर देता है। तो सोरो में हर चीज आ जाता है। तो याद रखना सोरो एक ऐसा चीज है जो मेंस के पावर को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखोगे इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, कौन किस तरीके से, मतलब जो लवर्स हैं, लवर्स का मतलब क्या है, प्रेमिका जो है, आपस में प्रेम और प्रेमिका मोहब्बत करने वाले जिसको आप कहते हो, जिसमें लवर होते हैं, लवर मतलब जो प्रेम करने वाले होते हैं, वो कैसे हमेशा के लिए यूनाइटेड होते हैं जो सच्चे प्रेम करते हैं। तो पोएट क्या कहता है, द पोएट सेज दैट द वन लव्स ईच अदर, जो मतलब प्रेम करते हैं एक दूसरे से, ईच अदर कैन नेवर बी सेपरेटेड, कभी जुदा होते ही नहीं, जिनके अंदर सच्ची मोहब्बत होती है दिलों में कभी जुदा नहीं होते। फिर कहते हैं दे लिव इन ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे में ही रहते हैं, और सो रिमेन एवर यूनाइटेड, वो हमेशा के लिए क्या होते हैं, यूनाइटेड ही रहते हैं। समझ पा रहे, सेपरेट होने के बावजूद भी दिलों में जो प्रेम होता है वो हमेशा के लिए होता है, वो कभी हटाया नहीं जा सकता। समझ पा रहे, अगर सच्ची मोहब्बत हो जाए तो। लेकिन आज के जमाने में सच्ची मोहब्बत करने वाले होते कहाँ है, है ना, एक छोड़े तो दूसरा तैयार वाली बातें होती है ना, जिंदगी ही बदल जाता है, ठीक है। बस देखो, चलो आप देखो, अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, लाइन एक्सप्लेनेशन। क्या पढ़ोगे, लाइन एक्सप्लेनेशन। और लाइन एक्सप्लेनेशन भी कितना नंबर का आएगा, 4 नंबर का आता है। पूरा पोएट्री का लाइन एक्सप्लेनेशन करवाएंगे ऐसे ऐसे करके, मतलब इससे 2-3-4 पॉइंट ले लेंगे, फिर अगले चैप्टर से लेंगे ऐसे कर करके, 10 चैप्टर पूरा खत्म होगा तब 4 नंबर का कहीं से पूछता। लाइन एक्सप्लेनेशन का एक पैटर्न सीखना होता है, बाकी तो आपको ही करना होता है, उसकी मीनिंग को समझने के बाद अपने वर्ड में ही क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि लाइन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टाइम में करोगे, है ना। चलो कि अभी करना है ना, चलो तो चलो, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लाइन।